चीज हो सकती है, बट अभी तक है ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। सो ओपन करो उसको जल्दी से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा है हमारा एरिस्टोटले साइंटिस्ट के बारे में, जिन्होंने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक वो जिनके पास रेड ब्लड है, एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, और प्लांट्स को उन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब। हॉब्स। फिर उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें प्लांट एंड किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया दो किंगडम्स बनाए गए। किसने दिया था आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन? लीनियस 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 ने दिया, कैरलस लीनियस ने। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ सिंपली ऐसे रखा कि जिसके पास सेल वॉल है उसको सबको प्लांटी में डाल दिया, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है उनको सबको एनिमेलिया में डाल दिया। उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मिसमैच फैल गया था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब एक जगह आ गए थे। तो इन सारी चीजों को सॉर्टेड करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, और किंगडम्स बनाए गए। ऐसे बनाते बनाते हमारा एंड में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। कौन से ईयर में आया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? 1969 9 में आया था। अब एक चीज, जितने भी बच्चे हैं ना क्लास में, जिसको कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा, हैंड रेज करके सेम टाइम पे पूछ लेना। ये मत सोचना कि बाकी बच्चों को डाउट नहीं आ रहा है, बाकी बच्चों को सबको समझ में आ रहा है तो आपको भी आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सकता है बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर्स नहीं रिवाइज किए होंगे प्रॉपरली, बट मेक श्योर डाउट्स अपने पूछ लेना कहीं पे भी, कुछ भी आपको लगेगा। ये सिर्फ मैं क्विक रिविजन करा रही हूँ आप लोगों का। फिर उसके बाद हमारा 1969 ईयर आप लोगों को याद रखना है। उन्होंने फाइव किंगडम्स दिए थे। फाइव किंगडम्स में उन्होंने क्या क्या टाइप लिया था, सेल किस टाइप का है, प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, सेल वॉल किससे बनी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें सबको टेबल दिख रही है अपनी, यस टू मैम पॉइंट यस टू पॉइंट वन टेबल में सबको पता है वो सिर्फ एक प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। तो मोनेरा के बारे में हम देखते हैं, मोनेरा क्या है, हमारा सोल मेंबर, उसका बैक्टीरिया है। मोनेरा के अंदर कितनी शेप्स पाई जाती हैं? फोर चार फोर कौन बताएगा इन चारों की चारों शेप्स को? मैम कोकाई स्पाइरिला विब्रियो और एक और था बैसिलस 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 विब्रियम स्पाइरल एंड कोकस, ये चार शेप्स के बैक्टीरिया यहाँ पे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और बिहेवियर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 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 मतलब बिहेवियर नहीं, सीधे साधे हैं, काम बहुत डेंजरस करते हैं, डिसीज वगैरह फैलाते हैं ना, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स इनको बोल देते हैं हम लोग। फिर बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हमको तीन चीजें याद रखनी होती है, वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्मोहाइड्रोफाइल्स। जो सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं, और जो मार्शी एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं बोलते हैं। अब ये इतनी हार्श से हार्श कंडीशन में क्यों सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर जिसकी वजह से सर्वाइव कर सकता है। जो हमारे मेथानोजेंस है वो रुमिनेंट एनिमल, जैसे काउ बुफेलो, उनके गट में पाए जाते हैं, उनके रुमिनेंट, रुमिनेंट होता है उनका स्टमक, उसमें पाया जाता है। फिर हमारे पास हमारा यू बैक्टीरिया आ जाता है। यू बैक्टीरिया में हम वो पढ़ते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर उसको साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर नोस्टोक एनाबिना का, नोस्टोक एनाबिना एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके पास एक सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, उस सेल का नाम क्या है, इनकी ये जो आपकी नोस्टोकैनाबिना है कॉलोनीज की फॉर्म में पाई जाती है। इनकी कॉलोनीज कवर्ड होती है किसके थ्रू, शीत के थ्रू इनकी कॉलोनीज कवर्ड होती है, एंड ये एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन भी कर सकती है, एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन ये आपका कर देती है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? डाउट पूछो पूछो बता मैम, जिलेटिनियस शीट या और मुकलेनियस शीट, मैम ये दोनों एक ही बात है ना? एक ही बात है, जिलेटिन हो गया या फिर आपका मिसलिजनस हो गया, सब एक ही बात है। वैशाली एल्गल ब्लूम का मतलब होता है कि कोई भी जो आपकी वाटर बॉडी है ना, उस वाटर बॉडी पूरा का पूरा ऊपर से आपका ग्रीन ग्रीन दिखने लग जाता है, उसमें पूरा का पूरा एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको एल्गल ब्लूम, एल्गी का एक पूरा झुंड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपकी बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया पढ़ लिया। हाँ पूछो प्रज्ञा। मैम एनसीईआरटी में जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में जो लाइन लिखी है, उसमें मैम वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कौन है, उनके बारे में क्या बताया? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ये आपके साइनोबैक्टीरिया।
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में कौन आते हैं फिर? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में हमारे पास जो हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ते थे ना, हमारे बैक्टीरियाज वगैरह जो साइक्लिंग्स कराते थे वो कीमोसिंथेटिक में आते हैं। मतलब हमारे बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। वो देखो ना, आपने जो फर्स्ट टेबल पढ़ा था अभी, उस फर्स्ट टेबल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या लिखा हुआ है, ये ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों हो सकता है। ऑटो में भी ये फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। मतलब लाइट के थ्रू भी अपना फूड बनवा सकते हैं, केमिकल कंपाउंड के थ्रू भी अपना फूड बनवा सकते हैं। हेटरोट्रॉफ में भी ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। तो जी हमको एग्जांपल दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया एनाबिनम ऑस्टियो, ये हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनवा लेंगे। और जो हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है वो सारे के सारे हमारे नाइट्रोजन साइक्लिंग साइकिल्स में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन साइकिल फॉस्फोरस साइकिल, इनको रन कराने में जितने भी बैक्टीरिया हम पढ़ते थे वहां पे, नाइट्रोबैक्टर वगैरह ये सब सूडोमोनास, वो सब कीमोसिंथेटिक थे। और फिर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में तो हमारे कौन से, जो दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, वो हमारा कौन सा है मैम, वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होती, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म विच लेक माइकोप्लाज्मा, प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए पैथोजेनिक हो सकता है। मिश्मा कोई डाउट है आपका? नो मैम। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट वन, वी हैव प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हमको पता है कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। क्यों वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती इसके अंदर? इसलिए नहीं होती बिकॉज इसके अंदर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक तीनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। प्लांट लाइक की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट लाइक हमारा कौन कौन है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, ये दोनों प्लांट लाइक, और यूग्लिनाइड कैसा, वो भी प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक है वो, स्टार्टिंग के तीनों प्लांट लाइक है, लाइम मोल्ड फंजाई लाइक है और प्रोटोजोन एनिमल लाइक है। ठीक है, क्या बोल रहे बेटा, स्लाइम मोल्ड मतलब कौन सा है? स्लाइम मोल्ड फंजाई मोल्ड है ना। देखो अभी इनके कैरेक्टर पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट किससे बना होता है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी को ही हम आपका बोलते हैं क्या, डायटम याद रहेगा तो डायटम से याद रखना है, डायटमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं ये, और डायटम से ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। डायटमिशियस अर्थ क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो बाहर की सेल वॉल है वो सिलिका से बनी होती है और वो सिलिका इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जिस भी जगह पे ये रहते हैं उसी जगह पे बहुत सारा सिलिका डिपोजिट कर देता है, जिसकी वजह से डायटमिशियस अर्थ बन जाता है। और जिस सॉयल में ये अपना सिलिका डिपोजिट करते रहते उस सॉयल को हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन इन सब में यूज करते हैं, ये याद रखना। फिर हमारे पास डायनोफ्लेजिलेट, डायनो मतलब दो फ्लेजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स फ्लेजिला है। एग्जांपल हम याद रखते हैं एक रेड डायनोफ्लेजिलेट जिसका नाम है गोनिलेक्स, गोनियोलम। रेड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट ये अपना कलर शो करता है, जिस भी एरिया में रहता है उस एरिया को सेम कलर का बना देते हैं ये। और इनके बॉडी के सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती हैं, और ये जिस वाटर मीडियम में रहते हैं वहां पे टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बाकी सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है। और जिस ओशन में, जिस वाटर बॉडी में रह रहे हैं उसको पूरा रेड बना देंगे, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन रेट बहुत हाई होता है इस वजह से। फिर हमारे पास है यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर यूग्लिनॉइड है नाम, इसके अंदर भी दो फ्लेजिला होता है, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट फ्लेजिला होता है। यूग्लिनॉइड की जो बॉडी होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, क्यों फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसके पास सेल होता है, इसकी बॉडी के अंदर क्या बनी हुई लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये आपका मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है कि लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनवा लेंगे, लाइट नहीं मिलेगी तो प्रेडेटर की तरह काम कर लेंगे, एग्जाम्पल यूग्लिना। फिर हमारे पास आता है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड बिल्कुल फंजाई के जैसे कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, एक सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेता है। इसकी जो बॉडी होती है ये अपनी बॉडी को क्या करके रखता है, जब इसके पास फेवरेबल कंडीशन होगी ये एक बड़ा सा एग्रीगेशन बना लेगा जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। जब कंडीशन आ जाएंगी अनफेवरेबल कंडीशन में, उसी प्लाज्मोडियम को
करके उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज और उसके ऊपर स्पोर्स बन जाएंगे। क्यों इसके स्पोर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्पोर्स के बाहर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है जो कि जनरली नहीं देखी जाती, ये आपको याद रखना। और स्पोर्स फैलते कैसे हैं? एयर करंट के थ्रू पूरे एनवायरमेंट में फैल जाते हैं इसके। फिर हमारे पास प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन एनिमल लाइक कैरेक्टर दिखाता है। प्रोटोजोन बॉडी के बाहर सीलिया होगी तो सिलिएटेड, फ्लेजिला होगी तो फ्लेजिलेटेड, अमीबॉइड होगा, अमीबा के पास क्या होता है सूडोपोडिया होता है, ये आपको याद रखना है। स्लीपिंग सिकनेस कौन कोज करता है? आपका ट्राइपैनोसोमा। और स्पोरोजोन, स्पोरोजोन मतलब जिसकी लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरो स्पोर वाली साइकिल आती है, स्पोर वाली प्लाज्मोडियम, उसको हम प्लाज्मोडियम, जो कि आपका क्या कोर्स करता है? आपका मलेरिया मलेरिया को हमको याद हो गया। फिर हमारे पास आता है फंजाई। फंजाई हमने देखा, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, एयर सोयल वाटर हर जगह पाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखा जाता है, मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा देखा जाता है इनके अंदर। सब एक अकेला फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, वो है आपका ईस्ट। बाकी मल्टीसेलुलर है आपके यहाँ पे। ईस्ट मैक्सिममली सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, सेप्रोफिटिक। इसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दिखाता है। किसके साथ? एल्गी के साथ दिखाएगा तो उसको लाइकन बोल देंगे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ दिखाएगा तो उसको क्या माइकोराइजा बोल देंगे हम लोग। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एल्गी आपका फंजाई है, इसकी बॉडी में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइफी का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। अब ये माइसीलियम भी दो टाइप का हो सकता है। अगर माइसीलियम बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है तो होगा कोई सेपरेशन नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूस है, तो उसके अंदर बहुत मल्टी न्यूक्लियेटेड स्टेज बन गई ना वो। यस, उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, कोइनोसाइटिक या फिर मल्टी न्यूक्लियेटेड, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमने देखा था कि फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। फंजाई के अंदर एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव में मैक्सिममली फ्रेगमेंटेशन हो गया या बडिंग इनके थ्रू देखा जाता है, जैसे कि ईस्ट के अंदर बडिंग पाया जाता है। अगर हम इसके अंदर एसेक्सुअल देखेंगे तो इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनता है, जिसके तीन नाम दिए हुए एनसीईआरटी ने, कोनिडिया, स्पोरिंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तीन टर्म्स हैं, ऊस्पोर्स और इनकी जो स्पोर्स है वो एक स्पेशल बॉडी के अंदर बनता है, वो स्पेशल बॉडी को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। जिसके अंदर भी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी डायरेक्टली आप उसको मान लेना फंजाई होगा। जैसे अभी हमारा स्लाइम मोल्ड था, उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बन रही थी तो हमने उसको क्या कंसिडर किया था? फंजाई लाइक कैरेक्टर, इसलिए हमने उसको बोला था। इनका जो सेक्सुअल साइकिल है उसके अंदर तीन स्टेजेस पाए जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, पहले दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा प्लाज्मोगैमी, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। तो क्या होता है, किसी किसी दो ऐसी क्लासेस है जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है, एकदम से न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे इंटरमीडिएट स्टेज में, उसी को डाइकैरियन फेज बोलता है। और ये डाइकैरियन फेज एस्कोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज सिर्फ इनके अंदर पाई जाती है, डाइकैरियन फेज। फिर उसके बाद इनका क्या हो जाएगा आपका कैरियोगैमी हो जाएगा, एंड कैरियोगैमी से एक डिप्लॉइड स्टेज बन जाएगी, फिर उस डिप्लॉइड के अंदर मियोसिस करा के राइट नंदिता? देखो डाइकैरियन वाले में क्या हुआ है ना, हमारे पास एक सेल है तो सबसे पहले ये दो सेल है, इनके पास ऐसे न्यूक्लियस है, तो अभी क्या हुआ इनका सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया है, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद अभी मेरे पास ये स्टेज आ गई, मतलब एक सेल बन गया, ये दो न्यूक्लियस हो गए, तो इसको हम बोलेंगे डाइकैरियन फेज कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, डाई मीन्स टू, दिख रहा है ना, टू न्यूक्लियस। देन इसके बाद क्या होता है, ये दोनों न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा, तो ये मेरे पास एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जायगोट जिसको हम बोलते हैं। देन इसके बाद इसमें मियोसिस हो जाएगा, सिंपल। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन
प्रोडक्शनल डिवीजन मियोसिस। अब किसी किसी के अंदर तो कैरियोगैमी एकदम से हो जाता है प्लाज्मोगैमी होते ही, लेकिन एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एकदम से नहीं होता, थोड़ा सा गैप आ जाता है बीच, उस गैप के टाइम पे ही एक स्टेज दिखने लग जाती है डाइकैरियन वाली। पर अब जो हमारा माइसीलियम तो लैक ऑफ सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, इसलिए नहीं हो पाते ना। हाँ, उसके अंदर लैक ऑफ सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता। देन हमारा जो माइसीलियम है, माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी, हाइफी का एक नेटवर्क है ये, उसी की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किस टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, किस टाइप का फ्लोटिंग बॉडी, इन सब के बेसिस पे हमने फंजाई को आगे क्लासेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली क्लास आती है मेरी फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ही एक ऐसी पहली क्लास है जिसके अंदर सिर्फ एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक कंडीशन पाई जाती है, बाकी इसके बाद जितनी क्लासेस है सब के अंदर सेप्टेट कंडीशन पाई जाएगी, सेप्टेट एंड ब्रांच कंडीशन पाई जाएगी। सिंपली अगर हम बात करते हैं कि किसी के अंदर भी अगर हम बात करेंगे एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की, तो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हमेशा कैसे बनता है, एक्सोजीनसली, और जो हमारे सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं वो एंडोजीनस। कहीं पे दोनों टाइप के स्पोर्ट्स बन रहे होंगे तो ये यही ट्रेंड फॉलो करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे दोनों में से सिर्फ एक स्पोर बन रहे होंगे तो वो उल्टा ट्रेंड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों दिखाते हैं। yes. तो इसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, एसेक्सुअल, एक्सोजीनस, सेक्सुअल, एंडोजीनस, राइजोपस, एल्ब्यूगो, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। देन हमारे पास आती है आपकी एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का ही मेंबर है कौन, वो आपका ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टीसेल। और आपके एस्कोमाइसिटीज यस कोमल मैम, एक्सोजीनस एसेक्सुअल होते हैं, एक्सोजीनस नहीं नहीं सॉरी कोनिडिया एक्सोजीनियस होते हैं मैम। कोनिडिया वाले कौन से होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स होता है ना, हाँ वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। ओके थैंक यू। ठीक है, लेकिन अगेन कंडीशन याद, मतलब एक टाइप से ट्रिक है सिर्फ कि अगर दोनों कहीं पे बन रहे हैं तो दोनों एक्सो एंडो सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे, ये याद रखना। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हम लोगों के पास, सेकंड क्लास कौन सी है हमारी, सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज। कॉमन नेम है इसको का सेक फंजाय, उसका स्पेशल कैरेक्टर याद रखना है कॉप्रोफाइलस होता है, काउ डंग के ऊपर भी ये ग्रो कर सकता है, क्या है कॉप्रोफाइलस, और इसका एक मेंबर यूनिसेलुलर कौन सा है आपका, यूनिसेलुलर मेंबर है। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजीनसली, जो कि है हमारे कौन, कोनिडियो फोर्स। फिर इसके अंदर नेक्स्ट हमारे सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, क्लास का नाम क्या है, एस्कोमाइसिटीज, तो सेक्सुअल स्पोर्स होंगे बॉडी एस्को कार्प। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एस्को स्पोर्ट्स आपके एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे एंडोजीनसली, एंडोजीनसली एसेक्सुअल कोनिडियोफोर, एसेक्सुअल इसके कोनिडियोफोर जो एक्सोजीनसली बन रहे हैं, और इसके सेक्सुअल वाले एस्कोफोर्स जो कि एंडोजीनसली बन रहे। ठीक है, फिर हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम ब्रैकेट फंजाय। मैम फाइको में एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजेनसली ग्रो करते हैं, और एस्को में जो होते हैं वो एक्सोजेनसली ग्रो करते हैं। फाइको में और एस्को के अंदर, फाइको के अंदर कौन कौन से स्पोर्स पाए जाते हैं, ए प्लैनोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। किस टाइप के स्पोर्स है, सिर्फ उसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं तो इसलिए वो एंडो होगा, इसलिए वो एंडो हो गया। Okay, अगर कहीं पे हम देखेंगे ना सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स पाए जा रहे हैं तो वो एक्सो हो जाएंगे। तो एक्सो भी तो है मैम, कौन से है इसके अंदर एक्सो, जायगोस्पोर, कौन से वाला, जायगोस्पोर। हमारे इसके अंदर आप देखो ना ज़ूस्पोर्स है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइन पढ़ के देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स एंड ए प्लैनोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स है, वो एंडोजीनस। Zygospore is formed by fusion of two gametes. Zygospore is formed by the fusion of two gametes. बेटा zygospore diploid है, zygospore diploid है, diploid spores है, दो spores के fusion से जो structure बन रही है उसको बोल रहे हैं zygospore. Asexual नहीं है?
नहीं, ये सेक्सुअली डिप्लॉइड स्टेज है, ये ज़ूस्पोर्स होता है, ज़ाइगोस्पोर्स, ज़ाइगोट वाले बोलते हैं ये। ओके मैम, वो सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, वो फ्यूजन होने के बाद होता है। मेसिडोमाइट्स की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और एस्कोमाइट की, दोनों की काइटिन की बनी होती है। सबकी काइटिन से बनी होगी यहाँ पे। सो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमारे पास फाइकोमाइसिटीज आ गया। फाइकोमाइसिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से स्पोर्स देखे हमने? एसेक्सुअल वाले जो कि एंडोजेनसली, फाइको के बाद हमारा एस्को, एस्को के अंदर दोनों पाए जाते हैं, एसेक्सुअल भी सेक्सुअल भी, सेम ट्रेंड आपका फॉलो करेंगे। एसेक्सुअल कोनिडियोफोर, सेक्सुअल वाले एस्कोफोर्स जो कि कार्प बॉडी के अंदर बनेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से स्पोर्स पाए जाते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स, सिर्फ सेक्सुअल। तो कैसे प्रोड्यूस होंगे? एक्सोजेनसली, एंडोजेनसली, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होंगे वो, ये याद रखना है। अब एक्सोजेनसली है तो उनका नाम क्या होगा? बेसिडियो स्पोर, और बॉडी बेसिडियो कार्प, और इसी के अंदर डाइकेरियन स्टेज भी पाई जाती है। देन हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज आ जाएगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल वाला नहीं पाया जाता, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा पाया जाता है? एसेक्सुअल वाला पाया जाता है। तो ये हमारी सारे के सारे क्लासेस, इनके एग्जाम्पल याद रखना है हमारे पास। फाइकोमाइसिटी, सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। देन एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्लेविकेप एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को ही सबसे ज्यादा जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज एगेरिकस अस्टिलागो पक्सिनिया, एगेरिकस अस्टिलागो पक्सिनिया, इनका कॉमन नेम भी आपको याद रखना है। देन सबसे एंड में हमारे पास सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ड्यूटेरोमाइसिटीज के पूछे जाते हैं, अल्टरनेरिया, पॉलिडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। हाँ जी बोलो बेटा। मैम ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, तो मतलब ये असेक्सुअल होगा ना? इसके सेक्सुअल स्पोर्स, इसके सेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। ओके ठीक, ठीक है, मतलब याद रखना है कि ये नॉर्मल ट्रेंड है हमारा, एसेक्सुअल वाले एक्सो होने चाहिए, सेक्सुअल वाले एंड होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ एक स्पोर पाए जा रहे हैं एक टाइप के, ये तो सेक्सुअल या एसेक्सुअल, तो अपोजिट ट्रेंड फॉलो करता है। मैम तो फिर देखो शॉर्ट में समरी लिखो। हाँ आप बोलो तब तक। मैम जो ड्यूटेरियम साइट्स है उसमें शॉर्ट इंटरवल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है ना, वो गिब्रेलियम फौजी करके कुछ वो है साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था। इसके अंदर बोल रहे हो आप ड्यूटेरोमाइसिटीज में ना? देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर क्या है ना, अभी जो हमारे पास एनसीईआरटी अवेलेबल है उसने डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि इसकी जो सेक्सुअल स्टेजेस है वो अभी हमारे पास अननोन है। वो अननोन इसलिए मानी गई है क्योंकि इनकी जो सेक्सुअल स्टेजेस है वो फंजाई से रिलेट नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि जब हमारी एनसीईआरटी अपडेट होगी एक दो साल बाद, तो इसकी जो सेक्सुअल स्टेजेस है वो किसी दूसरी क्लास, मतलब इसी के अंदर वो फर्दर क्लासेस बनाएंगे, तब उसके अंदर वो लाया करेगा। उसकी सेक्सुअल स्टेजेस फंजाई की जो सेक्सुअल स्टेज होनी चाहिए उससे रिलेट नहीं कर रही है, ये है। तो मैम हमें ज्यादा याद करके नहीं रखना है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शॉर्ट इंटरवल में मिलता है या नहीं मिलता, कुछ नहीं याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन ही जनरली आपका यही आता है इसके अंदर कि आपका इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज अननोन। सिंपल यस एग्जाम्पल क्वेश्चन, यस प्रज्ञा। मैम जो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है तो उसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स है उसमें है कोनिडिया, और अगर केवल एसेक्सुअल है तो ये होना चाहिए हमारा एंडो, कोनिडिया भी एंडोजेनसली ग्रो करेगा इसमें। कोनिडिया के अंदर भी इन्होंने उसके सॉरी ड्यूटेरो के अंदर अभी इन्होंने बताया हुआ नहीं है कि एक्सोजेनसली होगा एंडोजेनसली होगा, क्योंकि इसकी इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स हम ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर पाए नहीं जाते, अननोन है। ओके मैम, अगर हम बोल देते कि इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, सिर्फ एसेक्सुअल पाए जाते हैं, तो कैसा होना चाहिए था वो? एक्सो या एंडो? एंडो होना चाहिए, एंडो, एंडो। अब देखो एक बार इसका समरी देख लो, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। फाइकोमाइसिटीज के अंदर सिर्फ कौन सा पाया जाता है? एसेक्सुअल। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंडोजेनसली। एंडोजेनस के अंदर हमारा एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों है। एसेक्सुअल का नाम कोनिडिया,
कोनेडियो फोर और सेक्सुअल एस्कोफोर। तो इसके एसेक्सुअल कैसे बनते हैं? एक्सोजिनसली एंडोजिनसली के अंदर एसेक्सुअल सेक्सुअल सेक्सुअल नहीं पाए जाते, सेक्सुअल है एक्सोजिनस बैसीडियो स्पोर, जो कि बैसीडियो कार्प बॉडी के अंदर मिलेंगे और ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजिनसली। ड्यूटेरो के अंदर अभी जो सेक्सुअल है वो क्या है? नहीं पाए जाते, अननोन है, अननोन। और इसके अंदर अभी हमारे जो सेक्सुअल वाले एसेक्सुअल हैं उनके बारे में हमको बताया हुआ नहीं है कुछ भी कि वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे या एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे। सिर्फ ये बता एसेक्सुअल स्पोर्स है कोनिडिया, ठीक है। और अगर हम जनरल वाली केस में देखें तो हमारे कोनिडिया एसेक्सुअल है, तो आपके कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हमेशा एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर अब कॉमन? डाउट है कुछ? चलो अब प्लांटी पे आ जाओ फटाफट से। प्लांटी के अंदर हमको पता है सारे के सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन कुछ पार्शियली हेटरोट्रॉफ होते हैं। उसका एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर पैरासाइट्स भी बोल देते हैं। एग्जांपल ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट, और पैरासाइट का एग्जाम्पल कैस्कटा, ठीक है। ब्लैडर वॉर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप और आपका कस्कटा, ये आपको याद रखना है। अब आ जाओ वायरस, वायरोइड और लाइकन पे, याद है ना? ये भी मैंने आप लोगों को उसके याद कराया था सारे सारे साइंटिस्ट के नाम। तो सबसे पहले हमारे पास आए थे कौन से साइंटिस्ट? इवानोवस्की, 1892 में हमारे इवानोवस्की साइंटिस्ट है जिन्होंने वायरस का नेम वगैरह दिया, पॉइजनस फ्लूड ये सब करके दिया इन्होंने। फिर इवानोवस्की के बाद हमारा कौन सा साइंटिस्ट है? बेजेरिंग, 1892-1898 में बेजेरिंग साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, वो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे थे, उसका एक एक्सट्रैक्ट उठाया, एक हेल्दी प्लांट के अंदर डाला और फिर वहां पे देखा कि हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो गया। फिर वहां से उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये कुछ ऐसा मटीरियल है जो इन्फेक्टियस है, उसी का नाम दे दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम उन्होंने दे दिया। फिर उसका क्रिस्टलाइन नेचर स्टेनले ने बताया, कौन से ईयर में? 1935। फिर फोर्थ वन साइंटिस्ट हमारा वायरोइड वाला था, टीओ डाइनर, 1971। हीमा कोई डाउट अब इसका याद रखने का? 1892 सिंपल सीक्वेंस में याद रखना, 1898 देन 1935 देन 1971। 1892 में इवानोवस्की, बेजेरिंग, स्टेनले, टियोडाइना। हाँ हीमा बताओ। मैम जो टर्म वायरस था वो किसने दिया था? बेटा टर्म वायरस जो था ना हमारा 1892 में इवानोवस्की के थ्रू दिया गया था। फिर उसका सेमी फ्लूइड, लेकिन एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी हुई है कि द टर्म वायरस वाज गिवन बाय पेश्चर। मैम पेश्चर ने दिया था, फिर डॉट डालकर डीजे इवानोवस्की के बारे में बता रखा है इन दोनों ने। देखो आप एनसीईआरटी की सबसे पहली लाइन पढ़ो, द नेम वायरस दैट मींस विनोम एंड पॉइजनस फ्लूड वाज गिवन बाय पाश्चर इवानोवस्की। एग्जैक्टली लाइन है नेम। और फिर वायरस के अंदर वो कौन सी चीज है, वायरस क्या काम करता है? इन्फेक्टियस है, ये एक इन्फेक्टियस फ्लूड है, ये हमारा बेजेरिंग ने बताया था। मैम जब मैंने इसके एमसीक्यू सॉल्व किया था ना, तो मैम उसका करेक्ट आंसर ना पेस्चर था, कि जो टर्म वायरस है ना वो पेस्चर ने दी थी। उसकी बात एक ही तो है, पेस्चर डीजे इवानोवस्की, एक ही नाम है पूरा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो पेस्चर है ना उसके आगे डॉट लगा हुआ है, फिर डीजे ने इवानोवस्की के बारे में बता रखा है कि इन्होंने टोबैको प्लांट पे वो किया था। एक ही नाम है बेटा वो, पेस्चर डो डीजे इवानोवस्की, पूरा एक नाम है। मे बी इनके पास्टर के आगे कुछ और होगा पूरा नाम, तो इसलिए बीच में डॉट लगा दिया। यस मिस काम। मैम एक एमसीक्यू में मैंने देखा था, उसमें वायरस टर्म के लिए ऑप्शन था लुईस पाश्चर, और वो जो टोबैको प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट था ना उसके लिए इवानोवस्की दिया था। टोबैको वाला रिकॉग्नाइज्ड, हां इवानोवस्की आएगा उसके लिए।
इवानोवस्की ने टोबैको प्लांट के अंदर ही तो सबसे पहले देखा था। बेजरिंक ने क्या किया था, जो वो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के अंदर बताया गया ना कि हाँ इसके अंदर कुछ वायरस है, कुछ विनोम है, उसको उठाया और एक हेल्दी प्लांट के अंदर इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी में डाला और फिर देखा कि हाँ ये इन्फेक्टियस है, उसके अंदर इन्फेक्टियस फ्लूड है, कुछ ऐसी चीजें जो इन्फेक्शन कोज कर रही है, इन्फेक्शन फैला रही है, वो बेजरिंक ने बताया था। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़ा करो, इसलिए वो तो चीजें निकल के आएंगे। मैम एक एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, मैम उसका मतलब द प्लांट हैव एन यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, इसी में ही है मैम। प्लांट ये किंगडम फोर्थ लाइन मैम, प्लांट किंगडम के अंदर ना, अभी प्लांट किंगडम पे आ रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है वायरोइड। वायरोइड में क्या होता है, प्रोटीन होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है? न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर से प्रोटीन होता है, होता है हमारे प्रायोन्स, देन हमारे पास लाइकन। लाइकन का जो एल्गल पार्टनर होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो उसका फंगल पार्टनर होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायंट। फिर आ जाते हैं हम लोग हमारे प्लांट किंगडम के अंदर। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, फिर नेचुरल, फिर फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल वालों ने आर्टिफिशियल तरीके से काम किया था, सारा का सारा उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिविजन करा दिया। फिर नेचुरल वालों ने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ लिया एक्सेप्ट फाइलोजेनी। फिर फाइलोजेनेटिक वालों ने फाइलोजेनी के बेसिस पे, मतलब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बेसिस पे डिवाइड किया था। गलती क्या आती सबसे पहले आर्टिफिशियल वालों की, वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दिया गया था, जबकि किसको हाई वेटेज देना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर्स बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव? वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, तो हाई वेटेज हमको किसको देना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। अब जिसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हमारे पास उसकी कोई एंसेस्ट्रल हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है तो हम उसको कैसे करेंगे, टेक्सोनोमीज बना दिया गया, तीन टेक्सोनोमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी एंड कीमोटेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल के अंदर वही कंप्यूटेशनल मेथड्स वगैरह किया गया, सब आपको पता है, कोड्स, नंबर्स, ये सब असाइन कर दिया गया। साइटो के अंदर साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखा गया, कीमो के अंदर उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रखा गया। यहां तक हमने चीज करा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी एल्गी के ऊपर। प्लांट जो हमने अभी पढ़ा था ना, किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों ने सारी यूनिसेलुलर एल्गी रखी है, सारी यूनिसेलुलर एल्गी प्रोटिस्टा में, मल्टीसेलुलर एल्गी प्लांट में। लेकिन सारी एल्गी चाहे यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर, पढ़ते कहाँ है हम, प्लांट किंगडम, सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रखी कहाँ गई है वो, प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो एल्गी के अंदर हमको पता है सिंपल बॉडी होती है, क्लोरोफिल, बियरिंग, थैलॉइड। आपकी लाइन बेटा मेरे को पेज नंबर बताना कोमल, कौन से पेज पे है। ठीक है, एल्गी का जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा वेरी कर सकती है, बिल्कुल सिंपल से लेके आपका एक मल्टी सेलुलर तक हो सकती है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक। इसके अंदर आप लोगों ने लास्ट क्लास में, मैंने आप लोगों को पूरा टेबल्स की फॉर्म में लिखवाया था ये, कि यहाँ पे आपका याद होगा आप लोगों को कि जो आपका वॉलवॉक्स है या फिर आइसोगैमस वाली, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ऊगैमस, तीन कंडीशन होती है। आइसोगैमस में भी एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। आइसोगैमस का मोटाइल का एग्जांपल बताऊं, यूलॉट्रिक्स, और नॉन मोटाइल का स्पाइरोगायरा। फिर एनआइसोगैमस में मोटाइल यूडोरिया, और एनआइसोगैमस का नॉन मोटाइल यूलॉट्रिक्स। एनआइसोगैमस में तो सिमिलर साइज के होते हैं, एनआइसो में डिसिमिलर साइज होता है। मैम इसका एग्जांपल यूडोरिना है शायद, यूडोरिना। और ऊगैमस का एग्जांपल वॉल्वोक्स, फ्यूकस, फ्यूकस, वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वोक्स कैसी बॉडी होती है, कॉलोनियल्स की फॉर्म में रहती है,
याद रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास जो ये डायग्राम्स आ जाते हैं, इन डायग्राम्स को देखो सबके सब अच्छे से। सबसे फर्स्ट वाला डायग्राम हमको क्या, कौन सा डायग्राम है ये? वॉल्वॉक्स की फॉर्म में दिख रहा है, ग्रीन एल्गी है। सेकेंड वाला कौन सा है ये? देख के बता दो। फ्यूकस ब्राउन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास अभी बताया था, मोटाइल है, दिख रहा है ना ऊपर फ्लेजिला। डायग्राम देख के पूछ लेंगे आप लोगों से। थर्ड वन आपका कारा, सबसे पहले वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा हो गया। सेकंड में ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है डायग्राम देखे। अब आप देख रहे हो 1, 2, 3 से, जैसे जैसे 1 से 3 तक जाते हैं ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना। तो जिसके अंदर सबसे कम ब्रांचिंग लेमिनेरिया, लेमिनेरिया के बाद फ्यूकस, और सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड कौन है? डायक्रियोटा। डायक्रियोटा ब्राउन एल्गी है ना, जिसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट जिससे अटैच है, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ड। फिर सबसे एंड में हमारे पास रेड एल्गी, पोरफायरा एंड पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा पॉलिसिफोनिया। अब बताओ फटाफट से, सब फर्स्ट वॉल्वॉक्स, नेक्स्ट लेमिनेरिया, फ्यूकस, डायक्टियोटा, देन याद रखे। ये बहुत बार याद करा चुके हैं आप लोगों को, जितनी बार कराते हो उतनी बार भूल जाते हो। अब हमारे पास ये वो एनसीईआरटी जो मैंने अपनी 11th क्लास में पढ़ी थी। ओ हमारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम नहीं है ना, इसलिए मैंने वो बोला था यूनिट 3 से। डायग्राम नहीं है? नहीं आप तो थोड़ा बताओ, वो नहीं, कोई नहीं, फोटो क्लिक करके भेज दूंगी मैं आप लोगों को। फिर आता एल्गिन, कैसी एल्गी है? बहुत क्वेश्चन आते हैं। ब्राउन एल्गी, एकदम से आंसर आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। एल्गिन इज ब्राउन एल्गी, और कैरागिन रेड एल्गी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ए बी से याद रखना, ए बी सी आर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ए बी सी आर, एल्गिन ब्राउन एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी, ठीक है। और बाकी ये सब तो याद रह जाता है। सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स आपका कौन है? क्लोरेला, स्पाइरुलिना, जिसको स्पेस ट्रैवलर्स वगैरह यूज करते हैं आपका, और पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेरगेसम, इनकी बहुत सारी स्पीसीज को एज अ फूड भी यूज किया जाता है। आइसक्रीम जेलीज बनाने के लिए जेली जेली यूज किया जाता है। अगार मैम आइसक्रीम से जेली ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम ग्रेसिलेरिया, ठीक है मैम। ये अगार जेली और ग्रेसिलेरिया का एक बार बताने, इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है। अगार एक कंपाउंड है जो ग्रेसिलेरिया एंड जेलीडियम से प्रोड्यूस किया जाता है। उस अगार को यूज किया जाता है आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने के लिए प्रोडक्ट को किस एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो अगार जेलीसियम एंड ग्रेसिलेरिया आपका होगा, ठीक है मैम। यस वंशिका मैम, ये वाली, ये अगर जल वहीं पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज होता है ना मॉलिक्यूल, वही है अगार, अगार जल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, ठीक है। और केमिकल कौन सा यूज होता है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? इथिडियम ब्रोमाइड, पढ़ा होगा ना बायोटेक वाला, अभी चैप्टर्स आए थे। यस मैम, वाले टेस्ट में। यस मैम। फिर हमारे पास 3 टाइप की एल्गीज है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और आपकी ग्रीन एल्गी। अब इसको आप इस टेबल से, टेबल होगी ना सबकी बुक्स में ये, इस टेबल से आप लोग इसको पढ़ोगे। सबसे पहले, सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, ए बी ए सी ए डी, ऐसे सीक्वेंस में याद रखो, ग्रीन ब्राउन रेड सीक्वेंस, ग्रीन ब्राउन रेड, ए बी ए सी ए डी। ग्रीन एल्गी के अंदर सिर्फ ए बी है, फूड स्टार्च की फॉर्म में रहता है। ब्राउन एल्गी के अंदर ए सी है और इसके अलावा एक और पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन।
इनका फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनिटॉल लेमिनेरिया, मेनिटॉल लेमिनेरिया, दोनों लेमिनेरिया, रेडेल्गी के अंदर अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन इसकी स्ट्रक्चर फ्लोरिडियन स्टार्च के सिमिलर होती है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। मैम एक क्वेश्चन ये भी आता है ना, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। हाँ, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों का भी, और इनका फ्यूकोजेंथिन के साथ भी। नेक्स्ट इनकी फ्लेजिला के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो सिंपली याद रखना है रेडेल्गी नॉन मोटाइल होती है, सारी रेडेल्गी नॉन मोटाइल। सबसे ज्यादा जो फ्लेजिला पाया जाता है वो ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है, 2 से 8, सारे के सारे इक्वल होंगे, एक जैसे फ्लेजिला होंगे और एप्टिकली अटैच होंगे। ब्राउन एल्गी के अंदर सिर्फ 2 होंगे और 2 अनइक्वल टाइप के होंगे, एक बड़ा एक छोटा फ्लेजिला और लेटरल होंगे। ग्रीन एल्गी एपिकल, ब्राउन एल्गी लेटरल और अनइक्वल, यहां से क्वेश्चन आता है। ग्रीन एल्गी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं बिसाइड स्टार्च, उसको पाइरेनॉइड, ठीक है। ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो इनर अंदर से बनी होती है सेलुलोज से, बाहर से बनी होती है पेक्टोज, इनर सेलुलोज बाहर पेक्टोज, या इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन एल्गी का अलग अलग शेप दिखाता है, रेटिकुलेट, प्लेट लाइक, डिस्कॉइड, कप लाइक, कुछ भी शेप ये आपका दिखा सकता है। फिर एग्जांपल याद रखना है ग्रीन का, यूएस इज वेरी क्लीन कॉलोनीज। देन हमारे पास ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी का आपको पता ही है, उसका एक एग्जांपल सबसे जायंट एल्गी कौन सी है ब्राउन में, केल्प्स, केल्प कितनी 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर की एल्गी होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारी जो ब्राउन एल्गी है ना, ब्राउन एल्गी के बाहर भी सेलुलोज वॉल होती है, और सेलुलोज की वॉल के बाहर एक जिलेटिन की कवरिंग होती है विच इज ऑफ एल्गिन, एल्गिन की कवरिंग पाई जाती है उनके बाहर। इन्हीं की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये आपके मोटाइल हैं, और आपको पता है ये 2 फ्लेजिला होता है, वो भी अनइक्वल होते हैं इनके दोनों फ्लेजिलास। फिर इनका एग्जांपल याद रखना, जो लाइन है नीचे, द बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू द सब स्टेमिनम, मैं वो क्या बायो कॉल्ड, ये लाइन बतानी है, बताओ कोमल। देखो प्लांट की बॉडी सबसे नीचे, जैसे प्लांट नॉर्मल प्लांट होता है उनके अंदर रूट्स होता है, सॉइल से अटैच होती है, तो सबसे नीचे इनका वॉल फॉल, ठीक है। फिर उनका जो स्टेम वाला पार्ट, स्टेम को वी आर सेइंग स्टाइल, देन ऊपर जितनी लीफ हुआ, ओके मैम, ठीक है। चलो यहां तक हो गया हमारा, रेड एल्गी हमको याद है ना, रेड एल्गी कैसी है, नॉन सबसे ज्यादा ये वेल लाइटेड रीजन में भी पाई जाती है, और ओशन के बिल्कुल डेप्थ में भी पाई जा सकती है, जहाँ पे लाइट बहुत ही बहुत कम लेवल में, बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है, वहां पे भी ये पाई जा सकती है, ठीक है। देन ब्रायोफाइट आते हैं, ब्रायोफाइट में सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, याद क्या रखना है, स्फेगनम। स्फेगनम क्या प्रोड्यूस करता है, पीटमोस, जिसको लीविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में हम यूज करते हैं। और फिर इसके अलावा ये डायग्राम्स हमारे है ना, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स याद कराए थे लास्ट क्लास में, इसके अंदर आर्चिगोनियोफोर और N3DO4। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायग्राम देके पूछ लेता है कौन सा आर्चिगोनियोफोर है, कौन सा N3DO4 है। N3DO4 से आप समझ ही जाओगे वो क्या है, आपका मेल थैलस है, आर्चिगोनियो वाला फीमेल थैलस है। तो ये एग्जांपल दिए हुए ऊपर हमारे पास लीवरवर्ट के मेल और फीमेल थैलस दिए हुए हैं, लीवरवर्ट, लीवरवर्ट मोसेस, लीवरवर्ट लीवर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी, उन्हीं के अंदर गैमाज वगैरह पाए जाते हैं। और नीचे मोसेस में हमको फ्यूनेरिया का दिया हुआ एक डायग्राम और एक स्फेगनम का दिया हुआ है। फ्यूनेरिया में आप देख रहे हो इसके अंदर नीचे गैमेटोफिटिक है, उस पर स्पोरोफिटिक है। मोसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज्यादा इलाबोरेट होता है ना, और स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा होता है उसका। मैम ये जो एम्फीबियम डुअल, एम्फीबियम जो लिखा है वो दो बोथ में सर्वाइव,
लैंड पे भी और वाटर पे भी? हाँ ये दोनों एक रह सकते हैं, मतलब दो, इनको वाटर भी चाहिए, इनको लैंड भी चाहिए, रहते सॉइल में है बट डिपेंड करते हैं वाटर पे, किस लिए? फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स के मूवमेंट कराने के लिए ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डायग्राम्स अच्छे से कर लेना। फिर हमारे पास लीवोवर्ट, आपको पता ही है लीवोवर्ट में ट्रिक याद कराई थी ना आपको, मेरी फर्स्ट लेसर सेकेंड नहीं, मेरी मर्केंशिया रिशिया लीवोवर्ट और बाद वाले सारे मोजेस। ठीक है, गैमा क्या होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है गैमा कप्स, यही बिल्कुल एक जैसे बडिंग के तरह हेल्प करते हैं हमारी लीवोवर्ट को रिप्रोडक्शन में। और मोजेस में दो स्टेजेस पाए जाते, बहुत क्वेश्चन आता, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज, प्रोटोनिमा लीफी स्टेज, दो स्टेजेस इसके अंदर पाई जाती हैं। देन इसके अंदर नेक्स्ट चीज आपको वही, इसका जो स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म है वो भी काफी अच्छा है, और इसका स्पोरोफिटिक से ज्यादा इलैबोरेट होती है एज कम्पेयर टू द लीवरवर्ट, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया पॉलिटोट्राइकम एंड स्फेग्नम, वही स्फेग्नम पीट मॉस वाला। डन, ये वो चीज अगर आ रही है तो याद होनी ही होनी चाहिए, बाकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है ये सब। लीवरवर्ट की एक बार ट्रिक बताना, लीवरवर्ट की ट्रिक देखो। यस, पूरे टेरिडोफाइट उसकी ब्रायो की ट्रिक लिख लो, मेरी फर्स्ट प्लेस है सेकंड नहीं, मे मर्केंशिया री रीशिया, फर्स्ट फ्यूनेरिया, प्लेस पॉलिटोट्राइकम पॉलीट्राइकम, सेकंड स्फेग्नम स्फेग्नम। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हमको पता ही है ऐसे पहले प्लांट थे जिसके अंदर सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज पाए गए थे, और यही प्लांट है जिनको हम सबसे ज्यादा मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। टेरिडोफाइट सिर्फ उसे माउंटेन्स वगैरह भी क्यों पाए जाते हैं, हमारे आसपास क्यों नहीं पाए जाते हैं? मैम इनको रिप्रोडक्शन के लिए एरिया चाहिए होता है वाटर, इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नहीं चाहिए, इनको रिप्रोडक्शन एक स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है जिसकी वजह से इनका रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया बहुत रिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। वो कंडीशन कौन सी है? सैंडी सॉइल कंडीशन, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस इनको चाहिए होता है। कूल डैम्प वो किसमें? इनका जो गैमेटोफाइट है ना, गैमेटोफाइट को डेवलप करने के लिए। मैम एक क्वेश्चन है, मैम मोस्ट क्यों ज्यादा होते हैं लीवर वॉर्ट्स में? मोजेस क्यों जाते होते हैं उसका एग्जांपल अभी आपको, कि इनका जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो ज्यादा इलैबोरेट होता है, जिसकी वजह से इनका ज्यादा अमाउंट में फायदा होता है, और इनका स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी है, तो जितने ज्यादा स्पोर्स फैलेंगे उतनी ज्यादा स्पीसीज बन के आएंगे। सो नेक्स्ट चीज, हाँ रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। इनके गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए यही कंडीशन चाहिए, ये नहीं मिलेगी तो इनका गैमेटोफाइट ग्रो नहीं करेगा। क्लियर यहां तक? इनके अंदर भी एक बॉडी, जैसे कि हमने देखा ना मोजेस के अंदर दो स्टेज, प्रोटोनिमा एंड लीफी, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो, प्रोटोनिमा, ऐसी टेरिडोफाइट के अंदर एक स्टेज पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस, इनके गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं, ऐसे याद रखना, प्रोथैलस प्रोटोनिमा, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोटोनिमा लीफी स्टेज वो एक साथ है मोजेस का, यहाँ पे प्रोथैलस स्टेज पाई जाती है आपकी। क्लियर? यस। अब होमोस्पोरस हेटरोस्पोरस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होमो एंड हेट्रो, मैक्सिमम टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, होमो या हेट्रो? होमो, होमो होते हैं, मैक्सिमम होमो होते हैं। सिर्फ दो ऐसे प्लांट है जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन, और यही हेट्रोस्पोरस कंडीशन इनके अंदर पाया गया जिससे हमें पता चला कि ये प्रीकर्सर है सीड फॉर्मेशन के लिए।
क्योंकि हमको अगर सीड बनवाना है तो एक स्पोर बड़े साइज का, एक स्पोर छोटे साइज का बनवाना ही पड़ेगा हमको। तो वो सारे टेरिडोफाइट नहीं दिखा पाए थे, सिर्फ दो प्लांट दिखा पाए थे, कौन कौन सा, सेलेनिया एंड सेल्विनिया, सेल्विनिया, सिर्फ दो हमारे पास हेट्रोस्पोरस कंडीशन दिखा पाए थे। फिर एक कंडीशन आई थी हमारे पास माइक्रोफिल और मैक्रोफिल वाली, माइक्रो छोटी लीव्स, मैक्रोफिल बड़ी लीव्स, बड़ी लीव्स किसकी थी, फर्न की थी, और छोटी लीव्स किसकी थी, सेलेजिनेला की थी, सेलेजिनेला। ये याद है सबको, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस। स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न्स किसके ऊपर पाए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न्स, सेलेजिनेला, इक्विसेटम। तो ये जितनी चीजें मैं बता रही हूँ सारी आप लोगों के शॉर्ट नोट्स में लिखी होनी चाहिए, तभी आपको ये सब याद रहेगा, नहीं तो सब भूलते चले जाओगे। पर इन्होंने सबसे ये संशिका मैम एक बार हेट्रोस्पोर्स का एग्जांपल वो जो दो नाम बताए थे, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, सेलेजिनेला सेल्विनिया, ये दोनों हेट्रोस्पोरस है, बाकी सारे टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है। स्ट्रॉबेरी और कॉर्न सिर्फ दो प्लांट, सेलेजिनेला इक्विसेटम, ये याद रख ठीक है। इसके सबसे लास्ट पैरा में आप फोर क्लासेस देख रहे होंगे, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरिडोप्सीडा, सिर्फ एग्जांपल इनके याद रखना, बाकी क्लासेस की डिटेल में मत जाना। मैम एक क्वेश्चन है एसएसएम रीजन का, साइकस इज अ डाइसेसियस प्लांट, तो ये ठीक है, और मैम इसका रीजन दे रखा है इन साइकस मेल कोन एंड मेगा ये जिम्नोस्पर्म में कॉमन, क्या मैम साइकस क्या है, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म, दो चीजें याद रखना, स्पाइनस याद रखना, साइकस याद रखना। स्पाइनस कैसा होता है, स्पाइनस के अंदर मोनोइशियस, और साइकस ब्रांच होता है ना, अच्छा ब्रांच और अनब्रांच की बेसिस पे होता है मैम, इको हो रहा है कोमल की साइड से। देखो ये कोमल अभी क्लियर हो जाएगा आपका, अभी हम जिम्नोस्पर्म पे आ रहे हैं ठीक है। अच्छा जो आपका पहले वाला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ, यस मैम हो गया ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म वाला सुन लो, साइकोस्पाइनस वाला क्लियर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में हमको पता है नेक्ड सीड्स पाए जाते हैं, इनके अंदर सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं होता। सीड्स क्यों बनने शुरू हुए, हेट्रोस्पोरस कंडीशन की वजह से सीड्स बनने इनके अंदर शुरू। सबसे पहले सबसे जायंट जिम्नोस्पर्म कौन है, सबसे टॉलेस्ट, रेडवुड ट्री जिसको हम बोलते हैं, ये हमने याद किया है। फिर इसके बाद इनके अंदर रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो हमने याद किया था पाइनस के अंदर माइकोराइजा कंडीशन और साइकस कोरोलॉइड, कोरोलॉइड रूट के अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारा जो साइकस है उसका स्टेम अनब्रांच होता है, साइकस का स्टेम अनब्रांच है, और साइकस के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट्स है, मेल और फीमेल कॉर्न्स अलग अलग ट्रीज के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब साइकस इज अ यूनिसेक्सुअल, यस मैम यूनिसेक्सुअल है वो आपका ठीक है। जो पाइनस है वो ब्रांच्ड है, पाइनसोसेड्रस, पाइनस के अंदर मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ठीक है। हो गया कोमल किया, साइकस के अंदर साइकस कैसा है, अनब्रांच है, और उसकी जो लीव्स है वो कैसी लीव्स है, पाइनेट टाइप की लीव्स है, पाइनेट, पाल्मेट, याद है ना पाल्म हमारा हैंड होता है जैसे, पाल्म एक ही पॉइंट से अटैच्ड लीव्स, यस मैम पाल्मेट और पाइनेट, और पाइनेट पॉइंट पे अलग अलग जैसे नीम के अंदर पाई जाती है ऐसे, तो इसके अंदर पाइनेट लीव्स पाई जाती है, और इन जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स है उनके अंदर अडेप्टेशन पाया जाता है कि ये अपना वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपना सरफेस एरिया कम करेंगे, तो सरफेस एरिया कम कर लेती है, अपने स्टोमेटा को सनकन बना लेती है, अपने स्टेम के ऊपर थिक क्यूटिकल बना लेती है, क्यूटिकल लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, ये कर लेंगे ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में सिर्फ याद रखना, एंजियोस्पर्म का सबसे टॉलेस्ट ट्री यूकेलिप्टस, स्मॉलेस्ट भी याद रख लेना वॉल्फिया,
वॉल्फिया से यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस 100 मीटर, 100 मीटर का एक और था, एक और चीज थी, कौन थी 100 मीटर की? कैल्प्स। ठीक है, प्लांट किंगडम हमारा हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे। एनिमल किंगडम नहीं करा रही हूँ अभी, क्योंकि एनिमल किंगडम ने पहले भी किया था, अभी एनाटॉमी वाले पे आ जाओ। एनाटॉमी में सबसे पहले हमको पता है, हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं टिश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले वी हैव, अच्छा ये बताओ एनसीईआरटी वाला वीडियो आप सब लोगों ने, सबने देख लिया था एनाटॉमी का? यस मैम, यस मैम, देखा था ना, तो जिसने देखा होगा याद हो जाएगा, सबको नहीं देखा तो देख लेना एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ वहां पे। तो हमारे पास टिश्यूज है, टिश्यूज दो टाइप के हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो हमेशा डिवाइड करते ही करते रहेंगे, परमानेंट जो कभी डिवाइड नहीं करेंगे, उनका सिर्फ फंक्शन फिक्स हो जाएगा। मेरिस्टमैटिक में तीन, एपिकल मेरिस्टम जो बिल्कुल एपिकल एपिक्स पे होगा, फिर बीच वाला इंटरकैलरी, और फिर उसके साइड साइड वाले पोर्शन पे लेटरल मेरिस्टम। अगर बाय चांस हमारा एपिकल मेरिस्टम कट भी हो गया तो ग्रोथ कराने में कौन हेल्प करेगा? इंटरकैलरी अंदर होता था। और जो हमारा पहले दो है एपिकल इंटरकैलरी, दोनों के दोनों प्राइमरी मेरिस्टम है, प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे, और लेटरल वाला सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी बॉडी बनाती है प्लांट की। हाँ, अब ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम है सबकी एनसीईआरटी में? Yes, yes, डायग्राम को देखो अच्छे से। वैसे अजीबो गरीब सा दिया हुआ है, बट हमको फिर भी लेबलिंग इसकी याद रखनी है। पहला रूट का दिया हुआ है, सेकंड वाला शूट का दिया हुआ है। तो रूट में आप लोगों को याद रख लेना है सेंट्रल सिलेंडर, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि इन्होंने सेंट्रल सिलेंडर किसको क्या क्या दिया हुआ है, बट स्टिल हमको याद रखना है। तो इसको जरूर याद रखना, मुझे डॉट 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 दिया हुआ है ना, यहाँ से याद करना शुरू करना है। डॉट डॉट्स आपके क्या है? राम है, रूट टिपिकल मेरिस्टम। और सेम शूट में भी जो डॉट डॉट वाला पार्ट है, ये आपका शूट टिपिकल मेरिस्टम है। ठीक है, फिर आपको रूट्स में इसी के बाहर आप प्रोटोडर्म देख लेना, एंड देन इन्होंने इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, मतलब वहीं से आपका कॉर्टेक्स बनना शुरू हो रहा है। फिर सबसे नीचे उसका रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ से रूट कैप बनना शुरू हो रहा है, सबसे नीचे तक आपका रूट कैप है। ऐसे आप शूट में आओगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम है आपका, देन वहां पे ऑक्सिलरी बड्स इन्होंने दिया हुआ है, जो छोटे सी ऐसे बड़ निकली हुई है, एंड ये जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है, ये आपका वेस्कुलर टिश्यूज है जो डिफ्रेंशिएट होने लग रहा है। और ऊपर आपका लीफ प्रिमोर्डियम, मतलब लीफ बनना शुरू हो रहा है, लीफ अपनी इनिशियल स्टेज में है अभी। ठीक है, कर लोगे डायग्राम, एक दो बार देखोगे इनको अच्छे से तो याद हो जाएगा, बट इग्नोर मत करना इन डायग्राम्स को। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि जो हमारे मेरिस्टम हमने याद देख लिया, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। लिखा है तो जो सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टम में रह जाते हैं वही होते हैं ऑक्सिलरी बड, वही ऑक्सिलरी बड बनते हैं। देखो इसको मैंने आप लोगों को समझाया भी था, ये ऐसे होता ना कि ये मेरे पास अभी, लेट सपोज मेरे पास ये स्टेम है, ठीक है, अभी स्टेम में यहाँ पे मेरे पास शूट एपिकल मेरिस्टम है। अब ये स्टेम ऑब्वियसली आगे ग्रो तो करेगा ही करेगा ना, तो अभी यहाँ पे जहाँ पे रुक रहा है अभी, तो यहीं पे लीफ बन जाएगा और ये आगे ग्रो करना शुरू होगा। तो इस शूट एपिकल मेरिस्टम का कुछ टिश्यूज यहीं पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक ऑक्सिलरी एंगल पे बनने वाली बर्ड, ये ऊपर स्टेम बन जाएगा, इधर हमारा लीफ है, तो एक एंगल पे बन रही है ना बर्ड, इसीलिए इसको हम ऑक्सिलरी बर्ड बोल देते हैं। इसी ऑक्सिलरी को ना कभी ये ए यू एक्स आई डबल एल आर ऐसे भी लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स आई एक्स यू दोनों सेम ही है। यस वैशाली, ग्रास हो गए आपके, शुगर केन, इन सब के अंदर आपका इंटर कैलोरी की वजह से ही ग्रोथ चलती रहती है। यहां तक फिर आ रहा हूं मेरे परमानेंट में। परमानेंट में भी हमको पता है दो टाइप के, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला आपको पता है सिर्फ एक ही टाइप के टिश्यूज से बना होगा, और कॉम्प्लेक्स वाला एक से ज्यादा से बना होगा। सिंपल में वी हैव पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सबसे अबंडेंट टिश्यू है, और सबसे स्केंटी कौन है? कोलेन्काइमा। और डेड कौन सा है आपका? स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपका क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, खाना खुद बनवाएगा, उसको स्टोर भी करेगा और उसको देता भी रहेगा, तीनों काम करेगा, फोटोसिंथेसिस भी, स्टोरेज भी और सिक्रीशन भी।
तीनों कर रहा है। फिर हमारा जो कॉलन काइमा है वो सारे सबको नहीं काम करता, वो सिर्फ ग्रोइंग ग्रोइंग पार्ट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जो हमारे प्लांट के ग्रोइंग पार्ट है जैसे स्टेम, यंग स्टेम, पेटियोल्स हो गया लीफ का, उनको हेल्प करता है कॉलन काइमा। कॉलन काइमा का क्या है कि इसकी जो ना कॉर्नर्स है उन कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, किस चीज की थिकनिंग है, डिपोजिशन है, इन चीज का वहां पे थिकनिंग पाया जाता है। स्क्लेरन काइमा के अंदर दो पार्ट्स है आगे, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड एस्पोर्स, स्क्लेरिड एस्पोर्स स्फेरिकल, फाइबर इलोंगेटेड वाला है। किसका ल्यूमन सबसे नैरो होता है, और यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल्स है कहाँ पाए जाते हैं स्क्लेरिड्स वगैरह, आपका गुआवा के पल्प में, आपका पियर हो गया, जो आपके लेग्यूम्स हो गए इनके सीड कॉर्ड्स में, या फिर टी लीव्स, इन सबके अंदर ये पाया जाता है। एग्जाम्पल्स याद रखने एंड वाले। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमको पता है जाइलम और फ्लोएम आएगा। जाइलम के अंदर चार कॉम्पोनेंट्स है, कौन कौन से, फाइबर, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, इसको मैंने कैसे याद कराया था आपको एनसीईआरटी वाली वीडियो में, मेन कंडक्टिंग बॉडी कौन है, ट्रैकेट्स और वेसल्स है ना, मेन कंडक्टिंग ट्रैकेट्स और वेसल्स। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होते, कैसे याद रखोगे, जिम्नोस्पर्म, जिम में अच्छे वाले डंबल्स होते हैं, छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स नहीं होती, तो जिम लैक वेसल्स हो जाएगा। मेन कंडक्टिंग बॉडी को ही ट्रैकेट और वेसल क्यों बोला गया, क्योंकि जाइलम फाइबर क्या है, वो तो फाइबर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उससे क्या ही वाटर ट्रांसफर करेंगे हम लोग। और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू, एक अकेला लिविंग टिश्यू है वो, अब उसके थ्रू वाटर ट्रांसफर करेंगे तो वाटर खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए हमने उसको नहीं चूज किया मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट में। तो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कौन कौन हुए, ट्रैकेट्स और वेसल्स। ठीक है, ये वैशाली बताओ। मैम बास्ट फाइबर जूट होता, बास्ट फाइबर जूट, या तो ट्रैकेट्स याद रखना है, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होते, एंजियोस्पर्म में मेन कंडक्टिंग एलिमेंट आपका ट्रैकेट्स एंड वेसल्स पाए जाते हैं। स्टार्टिंग के तीन ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर, तीनों डेड है, सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, इसलिए इसको मोस्टली हम डेड कंसीडर करके चलते हैं, बाकी चीजों तो आप इसकी पढ़ ही लोगे। फिर आता है हमारे पास जो सबसे पहले जाइलम बनता है उसको प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम। तो सबसे बाहर, बाहर की साइड जो बन रहा है, पेरीफेरी की साइड सबसे कौन बनता है, तो उसी बेसिस पे एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन दे दिया जाता है। तो एक्सार्च सबसे पहले बाहर की साइड बनना किसमें चाहिए हमको, रूट्स में चाहिए ना, क्योंकि रूट बाहर सरफेस से ही तो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। yes, तो इसलिए रूट्स के अंदर एक्सार्च कंडीशन और स्टेम में एंडार्च, एंडार्च। ठीक है, फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम वही फूड को ट्रांसफर करना होता है, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स हो गए। जैसे वहां पे जाइलम में जिम्नोस्पर्म का कुछ अलग था, यहाँ पे भी कुछ अलग है, जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब्स ना होके उसकी जगह पे सीव सेल्स होती है, कंपेनियन सेल्स ना होके उसकी जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होती है, ये याद रखना। मैम कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स सिमिलर है, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स बोल सकते हो बट सिमिलर नहीं होते, एल्ब्यूमिनस सेल और कंपेनियन सेल्स सिमिलर होते। क्योंकि सिर्फ नाम चेंज किया गया है इनका कि हमारे पास उनके अंदर कंपेनियन सेल्स ना होके एल्ब्यूमिनस सेल्स होता है, ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट, सीव ट्यूब एलिमेंट यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर,
बाकी लोग मैम मल्टी सेल्यूलर है, वो सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर बनता है। और कंपेनियन सेल्स मैम यूनिसेल्यूलर बहुत सारी सीव सेल्स जो होती हैं उनके बीच में परफोरेशन परफोरेटेड वॉल कॉमन वॉल को परफोरेशन करा करा के एक पूरा ट्यूब एलिमेंट बनाया गया। लिखी हुई भी लाइन, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स, ठीक है। और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता तो इनको प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करेगा, कंपेनियन सेल मेंटेन करेगा, उसी को इनका सिस्टर सेल कंसीडर किया जाता है। तो कंपेनियन सेल्स का मेन फंक्शन क्या हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और जो आपके फ्लोएम फाइबर्स में याद रखना है, जूट फ्लैक्स हेम्प ये सारी चीजें होती है, इनको कमर्शियली यूज किया जाता है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। और यहाँ पे भी सेम चीज है आपका प्रोटो फ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम वाली कंडीशन में। फिर हमारे पास आ जाता है आपका स्टोमेटा, स्टोमेटा याद रखना है आपको मोनोकोट और डायकोट में, मोनोकोट का स्टोमेटा किडनी शेप होता है, मोनोकोट, एंड डाइकोट का मैम डाइकोट का तो कुछ नहीं होता, मोनोकोट का डंबल मैम, डाइकोट का ग्रीन शेप होता है, मोनोकोट का डंबल शेप, सही बता रहे यस, सोचो डाइकोट का मोनोकोट का डंबल शेप होता है, डबल क्लास में बताइए, डाइकोट में ग्रीन शेप होता है, मोनोकोट में डंबल ही होगा। हाँ मैम मोनोकॉट में डंबल होता है, डाइकॉट में किडनी शेप होता है। यस मैम, किडनी या बीन शेप भी तो बोल देते हैं। यस ये सही लिखा है मैंने, डाइकॉट में बीन शेप, मोनोकॉट में डंबल, ठीक है। यस मैम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं नहीं होते हैं, होता है, होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके बाहर सब्सिडरी सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। और हमारी जो गार्ड सेल्स, इन्हीं के अंदर रेडियली अरेंज सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, रेडियली अरेंज सेलुलोज फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटल अपर्चर किस किस चीज से मिलकर बनता है, स्टोमेटल एपरेटस, सॉरी आपका स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सेल, उन सब से लेके स्टोमेटल अपरेटस बनता है, ठीक है। फिर अपेंडेजेस अगर हम बात करें तो हम स्टेम के पास स्टेम हेयर्स ट्राइकोम और रूट के पास रूट हेयर्स, स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर और रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखना है। स्टेम हेयर का काम क्या होता है, वॉटर लॉस को प्रिवेंट करना, ये काम होता है। स्टेम के ऊपर ही क्यूटिकल की एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट कराती है। फिर हमारे पास आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में रेडियल अरेंजमेंट R4 रेडियल अरेंजमेंट R4 रूट्स, स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट, डाइकोट होगी तो ओपन कॉन्जॉइंट और मोनोकोट होगी तो ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ किसके अंदर होती है, डाइकोट्स में, डाइकोट्स होती है, ठीक है। ऐसे ही हम एनाटॉमी पढ़ लेंगे पूरा का पूरा, हमारे पास जो डाइकोट रूट है और मोनोकोट रूट है डिफरेंस के बेसिस पे, हम ये जो आगे वाला पार्ट है ये तो कट है ना शायद नीट के लिए, नीट के लिए बेटा सेकेंडरी ग्रोथ कट है सिर्फ, सेकेंडरी ग्रोथ से आगे वाला सारा कट है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग और वो आपकी जो हार्टवुड चापवुड ये सब करते थे ना, कोर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कुछ नहीं करना है। तो मैम ये सब नीट के लिए जो करनी जरूरत है और टेस्ट में भी करना है क्या,
नहीं नहीं टेस्ट में भी नहीं करना है, जो आपका नीट में नहीं आएगा वो टेस्ट में भी नहीं आएगा। ओके मैम, 6.4 के बाद जितना भी टॉपिक है वो सारा कट है। हाँ 6.4 के बाद वाला सारा कट है। मैम कंपेनियन सेल यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर? कंपेनियन सेल यूनिसेलुलर होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट मल्टी सेलुलर। डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में सबसे पहला डिफरेंस होता है कि एक डाइकोट है और एक मोनोकोट है। तो डाइकोट के अंदर क्या होगा आपका? कैम्बियम। वहां पे जो पेरिसाइकिल है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, यहाँ पे पेरिसाइकिल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कराएगा। वहां पे जो आपका जाइलम और फ्लोएम है उनका काउंट कितना है? टेट्रार्च। और मोनोकोट में वो पोलिया क्या मोर देन 6 है। ये एक डिफरेंस था। और पित्त के ऊपर डिफरेंस था, डाइकोट का जो पित्त था वो वेल डेवलप नहीं था, लेकिन मोनोकोट का well developed. इसके अलावा और कोई डिफरेंस? वही से आपका वॉटर कौन सा मूवमेंट दिखाता है? एपोप्टोसिस। और दूसरा मूवमेंट कौन सा था? अब तो पढ़ना नहीं है वैसे वो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर कट हो गया। यस मुस्कान मैम, अभी जो आपने बोला वो रिपीट कर दो। मैंने बोला डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की एनाटॉमी में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस एक डाइकोट है एक मोनोकोट है, एक के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी दूसरे के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। डाइकोट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो चार चार है, चार जाइलम चार फ्लोएम। मोनोकोट के अंदर मोर देन 6 है। उनका जो पित्त है सेंट्रल वाला पार्ट है, डाइकोट में वेल डेवलप नहीं है, मोनोकोट में वेल डेवलप है। मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होता है। हाँ मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट, कैम्बियम तो यहाँ पे होता ही नहीं है कहीं भी। सेकेंडरी ग्रोथ का काम है क्योंकि कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, और यहाँ पे तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, वो तो अटैच है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में डिफरेंस है। वहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस है क्योंकि वहां पे आपकी वो हाइपोडर्मिस लेयर आ जाती है, उसका डिफरेंस आ जाता है। डाइकोट की हाइपोडर्मिस किससे बनी है? कोलेनकाइमा से। डाइकोट की मोनोकोट की हाइपोडर्मिस किससे बनी है? स्क्लेरेनकाइमा से। याद है ना या नहीं याद है? नहीं याद है इनको लिख लो। अरेंजमेंट का भी होता है डिफरेंस, और फिर रिंग अरेंजमेंट है। डाइकोट में रिंग में अटैच्ड है आपके वेस्कुलर बंडल, और मोनोकोट में ऐसी स्कैटर्ड है। पेरीफेरी पे छोटे छोटे साइज के हैं, अंदर बड़े साइज के। ये सबसे बड़ा डिफरेंस इनके अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर कॉर्टेक्स को डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर अंदर एंडोडर्मिस, ऐसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। रूट में ऐसा डिविजन नहीं था कॉर्टेक्स में। पैलिसिड और स्पंजी पैरेन्काइमा वो तो लीव्स में है। मैम इसमें जो ये रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके बगल में जो डायग्राम है वो भी रिंग होता है। कर लो बट इतना डिटेल दे। अगर आपने देखो फर्स्ट रिंग वाला कर लिया ना तो सेकंड वाला खुद ही कर लोगे आप, कि सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर आपका एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, ये तो खुद होता चला जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर अगर आप लीफ में देखेंगे तो आपकी जो डाइकोट लीफ है वो डॉर्सी वेंट्रल, मोनोकोट लीफ आइसोबाइलेट्रल। ठीक है, तो आपका जो अपर सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एबेक्सियल या एडेक्सियल? एबेक्सियल। एबेक्सियल ऊपर वाला एडेक्सियल, क्योंकि डेक्स ऊपर होती है और बेस नीचे होता है, तो एबेक्सियल नीचे वाला सरफेस हो जाएगा आपका। आपका एबेक्सियल था कौन से वाला? मैम ऊपर वाला एबेक्सियल था, ऊपर एडेक्सियल, डेक्स ऊपर बेस नीचे। एनसीईआरटी नहीं खोली हुई अपनी? यस मैम। देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। थर्ड लाइन में देखो गुंजन, अपर सरफेस ए डेक्सियल एंड लोअर सरफेस ए बेक्सियल, मिला? यस मैम मिल गया, क्लियर मैम। तो याद रखना ऊपर डेक्स होता है, बेस नीचे होता है।
ठीक है। अब जो हमारा डाइकोट है उसके अंदर जो आपका मीजोफिल है वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। अलीशा कोई डाउट है आपका? मैम मतलब अभी यही वाले चैप्टर्स रिवाइज कराओगे क्योंकि आपने लिखा था ना ऑर्गेनिजम्स और एक्सक्रीटरी वाला, वो भी कराऊंगी इसके बाद भाई। ठीक है तो आपका आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हम काफी दिन बाद आज रिवीजन कर रहे हैं, बट जैसे जैसे हम डेली डेली क्लासेस लेते जाएंगे ना तो ये और फास्ट फास्ट होता जाएगा। आप सब लोग अपने अपने शॉर्ट नोट्स बना बना के रखना इन सारे चैप्टर्स के, जो चीजें मैं ऐसे अभी वर्बली करा दूं ना ऐसे होना चाहिए कि आप लोगों के पास लिखे होने चाहिए यही यही पॉइंट्स। और मैम अगर एनसीईआरटी में लिख ले सेकंड सेट में तो बेटा शॉर्ट नोट बना के रखोगे ज्यादा बेटर होगा। साइड साइड में एनसीईआरटी में लिखना चाहो लिख लो, मर्जी आपकी, चॉइस आपकी है, बट शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ठीक है सो इनका जो मीजोफिल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि मोनोकॉट में नहीं होता। मोनोकॉट में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, एम्प्टी कलरलेस सेल्स हम उनको बोलते हैं। हमारी डाइकोट लीफ के अंदर वेनेशन कौन सा पाया जाता है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट। और पैरेलल में मोनोकॉट। जो आपकी बुलिफॉर्म सेल्स है, बुलिफॉर्म सेल्स आपकी अपर सरफेस पे पाए जाते हैं, लोअर सरफेस पे? अपर सरफेस पे। अपर सरफेस पे। डन यहाँ तक सबका? डायग्राम्स देख लेना इनको अच्छे से। पैलिसेड में आपका इलोंगेटेड सेल्स दिख रहा है और स्पॉन्जी में बीच में बहुत सारा इंटरसेल्युलर स्पेस दिख रहा है आपको, ऐसे ये वाला। हो गए हमारे तीनों चैप्टर रिवाइज अच्छे से? यस यस। कल हमने ब्रीथिंग वाला करा था तो जल्दी से मेरे को बता दो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500। टाइडल वॉल्यूम के बाद हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो 2500 से 3000। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज योर 1100 से 1100। फिर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम 1100। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV। रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV से निकालते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी करके हम टोटल लंग कैपेसिटी निकाल देते हैं। हमारा जो CO2 का था वो था ना परसेंटेज हमने याद किया था कल, O2 में आपका RBC के थ्रू मतलब हीमोग्लोबिन के थ्रू कितना था? 97 के थ्रू % CO2 में प्लाज्मा कितना था? 7% और हीमोग्लोबिन 25% बाइकार्बोनेट 72-75%। यही एक डेटा था ना जो सब याद करना था, बाकी सारी चीजें होती इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। जो हमारा इंस्पिरेशन था उसके अंदर एक्सिस कौन सा था? एक्सटर्नल मसल्स थी और एक्सपायरेशन में इंटरनल वाली मसल्स। ठीक है कंडक्टिंग रीजन कहाँ था? कंडक्टिंग पार्ट टर्मिनल ब्रोंकियल तक हमारा था। लंग्स के बाहर दो लेयर, सबसे बाहर वाली पैराइटल और सबसे अंदर वाली विसरल वाली लेयर होती। ठीक है ये था हमारे पास आपका जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इस कंपेयर टू O2। कितनी परसेंट ज्यादा होती है, कितना टाइम ज्यादा होती है? 25% हो रही है। और आपका जो डिफ्यूजन हो रहा है CO2O2 का, इस चीज को भी अफेक्ट कर जाता है। कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है? पार्शियल प्रेशर, pH और टेम्परेचर और मीडियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
होती है यहाँ पे डिफ्यूजन के टाइम पे, सबसे पहली एल्विओलाई की लेयर जो कि थिन स्क्वामस एपिथीलियम से बनी है, सेकंड कैपिलरीज की वॉल, एंडोथीलियम एल्विओलर कैपिलरीज, और फिर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीन लेयर्स याद रखना है आपको। और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट तो पता ही आपको, लेफ्ट शिफ्ट में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा क्योंकि हमारे लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट शिफ्ट में ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो ओवर इफेक्ट, और फॉर्मेशन हो रहा है तो हेल्डेन इफेक्ट। बाकी सारी चीज आप कर ही लोगे। एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज था हमारा। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है? 5 ml। ऐसे 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑफ CO2 कैरी करता है? 4 ml। याद रखो। कीमो सेंसिटिव एरिया किस चीज के लिए सेंसिटिव होता है? CO2 और H+ concentration के लिए। अब आ जाते हैं हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर पे। उसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं करा रही हूँ मैं आपका, वो अमोनोटेलिक वाला, वो तो सबको पता ही, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, इजिएस्ट पार्ट है वो तो। हर एक किडनी के अंदर, ईच किडनी हैव हाउ मेनी नेफ्रॉन्स? 1 million। एक किडनी के अंदर, तो दोनों किडनी के अंदर टोटल कितनी हो गई? 2 million। किडनी का मेजरमेंट कौन बताएगा? लेंथ में, जो लेंथ होती है वो बस बात सिंपल लेंथ होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। अब एनसीईआरटी ओपन कर लिया ना सबने? यस मैम। और वेट 120 से 170 ग्राम उसका वेट होता है, याद रखना है। आपकी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर दो रीजन होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, इनर वाला मेडुला। कॉर्टेक्स और इनर वाला आपका मेडुला, ये आपको याद रखना है। अब ये डायग्राम देखो, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम वाला, सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे वेना कावाज। आपको पता है वेना कावा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर से इसलिए बनाया गया है, और जो ये आपकी रेड वाला है ये आयोटा है आपका डोर्सल आयोटा। और देन आपका ये किडनी वाला पार्ट है, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक होता है ना ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जिसको है आपका। देन कॉर्टेक्स मेडुला रीजन दिखाया हुआ, और ये आपका सेंटर में पेल्विस रीजन दिखाया हुआ है। फिर यहाँ से किडनी से आपकी यूरेटर, यूरेटर में यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ये हो जाएगा डायग्राम। यस मैम। अब ये लाइन पढ़ो, एक सेकेंड ना मैं आपको इसको एनसीईआरटी ओपन करती हूँ वहां पे। वैसे आप लोगों ने खोल तो रखा ही होगा अपने पास। यस मैम। और मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाया भी है ये डिटेल में, देखो सब आप ही लोगों को पढ़ाया हुआ है, ये याद है भूल गए? रिवीजन नहीं करते बच्चा, बच्चा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की, आप लोग रिपीटिव रिविजन नहीं करते हो, कि जो आज पढ़ा दिया मैम ने उसको पढ़ते ही नहीं हो। जो आज पढ़ा दिया उसको एटलीस्ट एक बार क्लास के बाद पढ़ लो, और एक बार कल एक बार फिर से पढ़ लो, तो आपको याद रहेगा ये चीज हमेशा, ठीक है? देखो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बता देना, जो मतलब आगे का पोर्शन है उसमें शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे इसके। हाँ आपने बताया, बोला था ना मेरे को, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स खुद से बना के भी प्रोवाइड करा दूंगी। मैम इस चैप्टर का तो करवा ही देना, इसका समझ में नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं अभी हमको कितना बनता है। तो जितना जितना मैं चीजें बता रही हूँ ना, ट्राई करना उनको शॉर्ट नोट्स में लिख के चलना, आगे वाले पार्ट में आएगा, लेकिन आगे वाला पार्ट इतना इजी है। ऐसे होता है ना कि साइकिल चल रही होती है कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो समझ में ही नहीं आता इसमें किसको लिखे, कैसे करे, कैसे। साइकिल नहीं लिखना है आपको शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, कि अगर आपका बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है तो उस टाइम पे क्या फंक्शन होगा, बॉडी हाइड्रेटेड है उस टाइम पे क्या फंक्शन मूव करेगा, होता है ना कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके डीसीटी वाले पार्ट से आता है, उसको लिखना है एंड वाले पार्ट में आपको। तो देखो ये मेजरमेंट हमने देख लिया इतना है,
फिर हम देखते हैं जब हमारा किडनी का सेंटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है हीलम। एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है सरफेस कॉनकेव की जगह पे अगर ये असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाला बनाएंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस लिख देंगे तो याद होना चाहिए ना कॉनकेव सरफेस एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है हीलम जिसके थ्रू यूरेटर बाहर निकल के आ रहा है उसके अंदर ब्लड वेसल्स ये सारी चीजें एंटर कर रहे हैं। हीलम के अंदर की साइड अगर आप एंटर करोगे तो वहां पे आपके छोटी छोटी फनल लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं आपके कैलेसिस कैलेसिस एंड फिर उन्हीं कैलेसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका उसके अंदर क्या है आपका पिरामिड्स पिरामिड्स है ना मेडुलरी पिरामिड्स उन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर से आप लोगों का फिल्ट्रेशन होके आ रहा है ये याद रखना है या फिर आप इसको डायरेक्टली से डायग्राम से देख लो ये बनवाया हुआ है देखो आ रहा है कुछ याद अच्छे से सबसे पहले आपको बताया था मैंने यहाँ पे कि आपका रिनल आर्टरी इधर से जा रहा है इधर से रिनल वेन जा रहा है आपका देन ये आपका रिनल पेल्विस वाला रीजन हो गया ये आपका नॉच लाइक स्ट्रक्चर्स हिलम हिलम के अंदर ये आपके छोटे छोटे कैलिसेस लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए एंड ये आपका मेडुलरी पिरामिड कितने मेडुलरी पिरामिड है 15 से 16 मेडुलरी पिरामिड्स है दो पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम कॉलम्स ऑफ बेटेन या फिर कॉर्टेक्स कार्बोनेशंस बोलते हैं हम किडनी को रेट्रोपेराइटल पेरिटोनियल किडनी क्यों बोलते हैं बिकॉज जो हमारी पेरिटोनियम लेयर है उससे अटैच हो वो हमारी किडनी को हाफली कवर्ड करके रखती है क्या हुआ ना हाफ कवर्ड देख लो इधर वाले पार्ट से ये इतना वाला पार्ट कवर अप किया हुआ है तो इसलिए हम इसको रेट्रोपेरिटोनियल किडनी बोलते हैं हमारा जो लंग्स है लंग्स के अंदर रिब्स है उसमें जो लास्ट टू पेयर्स है फ्लोटिंग रिब्स वहां पे भी हमने पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में वो हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है फ्लोटिंग कौन कौन सी होती है ना काउंट बताना एक बार उसका मेरे को 11 और 12 और फॉल्स वाली कौन सी होती है 8 9 10 ट्रू रिप्स 1 to 7 तक आपकी ट्रू रिप्स ट्रू रिप्स उनको क्यों बोलते थे बिकॉज वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती थी डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती थी ये वाली डायरेक्टली फॉल्स वाली डायरेक्टली अटैच नहीं होती और फ्लोटिंग वाली तो आपको पता ही है डायरेक्टली ऐसे फ्लोटिंग वाली टाइप से दिखाई देती है ये आपका ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट किडनी के सराउंडिंग में कोई लेयर होती है जैसे उसके सराउंडिंग होती है क्लियर इसके बाहर भी आपकी लेयर्स होती है देखो ना दिखाया हुआ है रीनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है इसके अंदर और इसके ऊपर बाहर एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है जो कि शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ये इसकी लेयर्स है और देन इसके अंदर आपको दो जोन्स आपको याद रखने हैं कॉर्टेक्स वाला जोन एंड मेडुला वाला रोल एक किडनी के अंदर 1 मिलियन मतलब एक किडनी में 1 मिलियन और दोनों किडनी के अंदर 2 मिलियन प्रेजेंट होंगे नेफ्रॉन के अंदर आपको पार्ट पता ही है कौन कौन सा होता है नेफ्रॉन के अंदर आपका सबसे ऊपर बॉमेन कैप्सूल होता है फिर बॉमेन कैप्सूल एंड देन आपका उसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपलरीज कैपलरीज का एक गुच्छा उसको क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस आपका ग्लोमेरुलस है एंड देन ग्लोमेरुलस के बाद आपका ये पूरा का पूरा पीसीटी सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिर आपका ये नीचे की साइड जा रहा है तो इसलिए इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये ऊपर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि हमेशा क्या कराता है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन रीअब्सॉर्प्शन कराता है एंड देन आपका कलेक्टिंग डक्ट क्या एक नेफ्रॉन का एक अलग कलेक्टिंग डक्ट होता है नो मैम बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक कलेक्टिंग डक्ट में कनेक्ट होते हैं एग्जैक्टली बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू अटैच्ड होते हैं
ठीक है। फिर अब देखो अलीशा ध्यान से समझना, अब नोट्स कैसे बनाना है इसके, इस वाले पार्ट से आपको याद हो जाएगा। जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है ये किसके लिए परमिएबल है? वॉटर, वॉटर के लिए। और जो असेंडिंग वाला है, जो आयन्स आयन्स के लिए परमिएबल है ये, ठीक है। और जो डीसीटी वाला है वो कंडीशनली वर्क करता है। तो पहली चीज आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी वाले पार्ट के ऊपर मिलेंगे, डिसेंडिंग वाला किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए। इम्परमिएबल किसके लिए है? आयन्स के लिए परमिएबल है। फिर हम यूरिन फॉर्मेशन पे जब आ जाते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में इसी की सबसे पहले आपका क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मैंने आपको तीन चार चीजें लिखवाई थी, वॉल्यूम्स लिखवाए थे आपको, याद है? वो होगा भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ, उसी को देखते हैं। मैम पीसीटी और डीसीटी दोनों ही कंडीशनल रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ डीसीटी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कराता है, पीसीटी सबसे ज्यादा वाटर का कराता है रीअब्सॉर्प्शन। यस मैम, पीसीटी वाटर का, डीसीटी कंडीशनल कराता है। और वो कंडीशंस किस पे डिपेंड करेंगी? हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेंगी कि हमारी बॉडी के अंदर किस चीज की नीड है, उसी अकॉर्डिंग वो उसी टाइप का एंजाइम या हॉर्मोन प्रोड्यूस करा देता है। यहां तक बताओ, समझ में आया? नेफ्रॉन आपकी दो टाइप की होती है, किस किस टाइप, कौन कौन सी होती है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो सिर्फ जिनका मैक्सिमम पार्ट कॉर्टिकल वाले रीजन में होता है, और कॉर्टिकल वाले रीजन में इट मींस उनका लूपो फैलने छोटा होगा, और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मेडुला में लाइक मेडुलर वाले रीजन में पाए जा रहे, वो आपकी जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगी। दोनों याद रहना है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ लूपो फैनले, फैनले की बेसिस पे हम डिवाइड किया। क्या बेटा, ज्यादा कौन सा वाला होता है, कॉर्टिकल में या जस्टा? सबसे ज्यादा जो हमारे पाया जाता है वो जस्टा वाला पाया जाता है, नहीं मेजोरिटी वाला आपका पाया जाता है वो जितना लूपो फैनले शॉर्ट होता है, कॉर्टिकल वाला। Yes, ma'am. सबसे ज्यादा नेफ्रॉन कॉर्टिकल्स वाला करेगा ना? क्या बेटा? मैम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन तो स्ट्रेस कंडीशन में वर्क करता है ना? हाँ, वो जनरली स्ट्रेस वाली कंडीशन में वर्क करता है जब हमारा कंडीशनल वाला होता है। 85% हमारा कॉर्टिकल एंड जस्ट 15% आपका जस्टा वाला हो गया, ठीक है। वासा रेक्टा पता है? वासा रेक्टा क्या होता है? जो आपका एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल को ही, ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है ना रेड वाला, दिस रेड वन इज योर वासा रेक्टा, क्योंकि यहाँ से जितना भी या ना ये येलो वाला पार्ट आपका जितना भी रीअब्सॉर्प्शन करा रहा है, जितने भी आयन्स बाहर निकाल रहा है इसमें, तो अब ये ही कौन रीअब्सॉर्ब कर लेता है? आपका एब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर यहाँ से इसको वापस बॉडी को दे देता है। क्योंकि अब देखो ना, इसके पीछे एक सिंपल मैकेनिज्म है, बिल्कुल। किडनी का काम क्या है? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना सिर्फ, yes, है ना। तो बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है कि आपका पीसीटी के थ्रू इन जो लूपो फैलने वाला पार्ट है इसके अंदर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, अब लेकिन इसके अंदर आ गई है तो अब क्या करें? हमारे पास फिर भी चांस है किडनी के पास कि उसको वापस बॉडी से रीअब्सॉर्ब करा दे। तो आपका जितना भी हमें लग रहा है कि हमारी किडनी ज्यादा वाटर हमारे पास आ गया है लूपो फैलने में, तो ये वाटर सारा का सारा बाहर निकाल देगी, और वाटर को ले कौन लेगा? फिर वासा रेक्टा ले लेगा, वापस बॉडी को देना शुरू कर देगा। और अगर हमें लग रहा है कि भाई हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा आयन्स रिमूव आउट हो रहे हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल में, तो ये यहाँ से आयन्स निकाल देगा और इन आयन्स को वासा रेक्टा ले लेगा, और वासा रेक्टा इनको वापस बॉडी में ले जाएगा। मैम एक बार एफरेंट आर्टरियोल और ईफरेंट आर्टरियोल में देखो, एफरेंट आर्टरियोल क्या है? जो आपका ब्लड इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है, एफरेंट आ रहा है, और फिर यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन हुआ। अब फिल्ट्रेशन में आपको पता है क्या होता है? जो आपके लार्ज प्रोटीन वगैरह होता है वो कुछ ही नहीं जाता, सब ऊपर ही रह जाता है, तो ये वापस इधर से जाता रहता है ऐसे, और जो वेस्ट मटीरियल है वो नीचे छनता चला जाता है, वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आता जाता है। मैम वेस्ट मटेरियल नीचे चला जाता है? हाँ, वेस्ट मटेरियल नीचे आ जाता है पूरा। यहाँ पे जैसे इधर से ब्लड आया और इधर से जाना है, तो इतना जितना वेस्ट मटेरियल है ना वो सारा इसमें आ जाएगा। यस मैम,
ऐसे होता है, और फिर उस वेस्ट मटेरियल के अंदर जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल आ गया है फिर वो लूप ऑफ एनले में वाटर होगा तो डिसेंडिंग वाला पार्ट, और आयंस होंगे तो असेंडिंग वाला पार्ट दे देगा, ऐसे चलता रहेगा। यस मैम क्लियर। और फिर डीसीटी के अंदर आके क्या होगा कि अगर हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की बहुत कमी हो रही है तो डीसीटी और वाटर एब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर देगा, हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा हो गया है तो डीसीटी वाटर को रिमूव आउट करना शुरू कर देगा, आयंस का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देगा, ऐसे ये प्रोसेस पूरा का पूरा आपका चलता रहता है। अलीशा समझ में आया अब किस किस टाइप से आपको लिखना है? इसी को ही आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म हम बोल देते हैं। क्यों इसको काउंटर करंट बोलते हैं आप खुद देखो ना, ये जो येलो वाला पार्ट है आपका, इस येलो में तो आपका नीचे की साइड जा रहा है और इधर से ऊपर की साइड जा रहा है, और जो ये आपका रेड वाला है इस रेड में इधर नीचे आ रहा है और इधर से रेड में ऊपर जा रहा है, हो रहा है ना देखो काउंटर करंट। यस इसीलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म हम आपका बोल सकते हैं। आपकी जो किडनी है वो एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, कितना फिल्ट्रेट बनाती है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है एक मिनट में? 125 ml 125 ml प्रोड्यूस करता है वो एक मिनट में पर मिनट, तो एक दिन में कितना प्रोड्यूस करता है 180 लीटर डेली बॉडी से? नो मैम नहीं होता। देखो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आया जितना तो उसमें से 180 लीटर इस पीसीटी में आता है, मतलब मिनट के हिसाब से चलो अगर तो 125 ml इस पीसीटी में आता है, और इसका पूरा अगर हम दिन के हिसाब से देखें 180 में से 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1% ही होता है जो बॉडी से बाहर रिमूव आउट होता है। कितना हो गया इसका 1%? 3 लीटर पर 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है आउट ऑफ द 180 लीटर। ठीक है डन यहां तक? यस। अब एक काम करना बच्चों, इस वाले चैप्टर का आप लोग पूरा का पूरा एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के आना, फिर ये वाला चैप्टर एंड ऑर्गेनिज्म। अच्छा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आप लोगों ने पढ़ लिया क्या? यस मैम। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बिकॉज आज ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है ऑर्गेनिक, तो एक काम करेंगे हम इन दोनों चैप्टर को और एक और चैप्टर ले लेंगे हम कल की क्लास में, 3 चैप्टर हम कल की क्लास में रिवाइज करेंगे। मैम लोकोमोशन करा देना कल, लोकोमोशन वाला ये नहीं, लोकोमोशन वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 हो नहीं पाएंगे फिर मैम। हार्मोन करना क्या क्या मैम? हार्मोन वाला चैप्टर करा देना, हार्मोन वाला मैम तो कल फिर आप एनिमल किंगडम करा देना। हाँ कल एनिमल किंगडम करेंगे कल हम लोग। नहीं बेटा ह्यूमन फिजियो का एक ही चैप्टर लेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगता है। एक एक ह्यूमन फिजियो का लिया करेंगे, कल एनिमल किंगडम करेंगे, ये वाला करेंगे और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करेंगे। मैम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो भी करेंगे बेटा, मतलब पढ़ा दिया है बट रिवीजन करना है हमको, तो जैसे मैंने आज स्टार्टिंग से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम कराया ऐसे ही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स इन सबको भी हम एक एक करके रिवाइज करते रहेंगे। यस मैम ठीक है। और कल हमारी वैसे शेड्यूल में क्लास नहीं होती बट मैं क्लास लूंगी कल भी आपका, एंड इसी टाइम लेंगे क्लास भी 10:30 बजे। ठीक है यस मैम ओके देन बाय बाय मैम। हां जी बोलो बेटा। एनाटॉमी वाले चैप्टर की जो आपने